हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मेरे स्टाइल की करेले की सब्ज़ी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। और इसमें हम क्या करेंगे, जो करेले के छिलके हैं उनका यूज़ करेंगे और बनाएंगे सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि ये करेले को छील लीजिए। 250 ग्राम करेले हैं ये, इनको हमने छील लिया है। धोकर अच्छे से पहले धो लीजिए, फिर उसके बाद छील लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर छिलके हमने अलग रख दिए हैं, अब करेले को काट रहे हैं। तो करेले को आपको कैसे काटना है, अगर उसके अंदर जो सॉफ्ट बीज हैं तो आपको उन्हें रहने देना है, और अगर उसमें हार्ड बीज हैं तो आप उन्हें निकाल दीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने जो हार्ड बीज हैं उनको निकाल कर इनको कट कर लिया है। अब उसके बाद आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए इस सब्ज़ी को। इस सब्ज़ी में जो करेले का बिटरनेस होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, वो भी छिलकों के साथ। तो यहाँ पर मैंने करेले में इसी कड़वाहट निकालने के लिए नमक डाल दिया है, अच्छा सा नमक, 2 चम्मच भर के नमक डाल दिया है इसमें। और छिलके में भी हम इसमें नमक डालेंगे, 1 चम्मच भर के उसमें भी डालेंगे नमक। नमक से क्या होता है, जो कड़वाहट है वो निकल जाती है इसकी, तो जितनी भी कड़वाहट होती है वो निकल जाएगी इसमें से। और छिलकों में भी हमने ये डाल दिया है और अच्छे से मिला देंगे। और दोनों को मिलाकर एक साइड रख देंगे कम से कम आधा घंटे के लिए, अब तक इसमें से जो नमक का पानी है वो निकल ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनको एक साइड रख देंगे। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम प्याज डालेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है 3 बड़े प्याज हैं जिनको हम पीस लेंगे। इसमें हमने लहसुन और अदरक नहीं डाला, क्योंकि करेले गर्म होते हैं इसलिए हम उसमें नहीं डाला है, आप चाहें तो डाल लीजिए। तो ये यहाँ पर इसने पानी छोड़ दिया है नमक ने। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से वॉश कर लेंगे, अलग अलग वॉश करेंगे। तो 2-3 बार इसको अच्छे से धो लेना है आपको पानी में, और एक साइड रख देना है दोनों को अलग अलग। और जो छिलके हैं उनको भी आपको धोना है। छिलकों को आप छन्नी में टैप के नीचे करके आप अच्छे से धो लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, करेले को लेंगे और 1 गिलास पानी और बिल्कुल हल्का नमक डालेंगे, इसलिए क्योंकि पहले हमने जो नमक उसमें डाला था वो तो धुल जाता है। यहाँ पर हम उबालते समय भी थोड़ा सा नमक डालेंगे और उबालने के लिए रख देंगे। अब उबालना कितना है इसको, उबालना सिर्फ 70% है, एकदम पूरा नहीं उबालना है, गलाना नहीं है, सिर्फ 70% हमें उबालना है करेले को। अब एक साइड उबल रहे हैं करेले और दूसरी साइड हम इसका मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने सरसों का तेल ले लिया है, ज़्यादा नहीं लेना है तेल, इतना लेना है कि प्याज बस भुन जाए, उसमें से तेल हमें दिखाना नहीं है कि उसमें से तेल ऊपर से दिखता है कि किसी सब्जियों में, तो ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर तेल गर्म हो गया अच्छे से, और अच्छे से 1 चम्मच भर के आपको सौंफ डालनी है, थोड़ा सा जीरा डालना है, हींग जाए तो डाल दीजिए, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं डाली हींग। और ये हमने प्याज डाल दी है पिसी हुई, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्याज डालेंगे और एक साइड जो करेले हैं वो हो रहे हैं, तो हम इनको भी चेक कर लेंगे, बीच बीच में हम उसे चेक करते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने प्याज को डाल दिया है। प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक ये बिल्कुल लाइट ब्राउन होनी चाहिए, जलाना नहीं प्याज को, ना डार्क ब्राउन करना, बिल्कुल लाइट ब्राउन होनी चाहिए, बस उतना ही हमें प्याज को भूनना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब हम उसको चेक कर लेंगे करेले को। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं करेले को, आपको अभी दिखाएंगे कितना पका है, पकाना है आपको, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप कि आपको कितना पकाना है, बस ये टूटने लगे, ये मुड़ भी रहा है और ये टूट भी गया है, ज़्यादा गला नहीं है जैसा था, उससे बस थोड़ा सा हाथ से टूटने लगे, ज़्यादा मेहनत नहीं लगी टूटने में, इतना टूट जाना चाहिए। तो ये हो गया, हमने इसको गैस बंद कर दिए, अब करेले उबल गए हैं, उनको हम अलग निकाल लेंगे छन्नी में, ठीक है। यहाँ पर हमारी प्याज भुंज रही है अलग, इसको हमने निकाल दिया है करेले को। आप इस तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये सब्ज़ी।
आपने ये तरीके से अगर बनाई है तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। या फिर आप हम इसमें जो प्याज आपने देख ली होगी बस हमें इतना ही भूजना है। उनको हल्की सा इसमें कलर आने लगा था ब्राउन का, तो हमने बस वहीं पर गैस को स्लो कर दिया। अब हम मसाले डाले हैं, 2-3 चम्मच हमने धनिया डाले हैं इसमें, धनिया पाउडर भरकर, और 1 चम्मच बड़ा अमचूर पाउडर, और हल्दी 1/2 चम्मच, और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है क्योंकि करेले वैसे भी कड़वे होते हैं तो मिर्ची थोड़ी डाली है। यहाँ पर हमने तेल कम लिया है इसलिए ये मसालों को कम, आपको तेल नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हाँ तेल मैं कम ही यूज़ करती हूँ सब्जियों में। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे कि मसाला अच्छे से, बस मिलाना है मसालों को तो ये और अच्छे से मिल जाएगा पानी डालने से। हम इसमें जो हमने छिलके लिए थे, हमने छिलकों को उबाला नहीं था, ठीक है, तो ये छिलके हैं जो हमने धो लिए थे, हम इसको भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मसालों में मिला देंगे। जो सब्ज़ी में मेन स्वाद जो होता है वो इन्हीं छिलकों का आएगा आपको, अगर आप जब बनाएंगे तो इन्हीं छिलकों का आपको स्वाद आएगा, वो भी बहुत ही अच्छा सा स्वाद आएगा आपको। और यहाँ पर हमने नमक हल्का सा डाला है, याद रखना है करेले में पहले से ही नमक है तो बिल्कुल लाइट नमक डालना है आपको, क्योंकि हमने उबालते समय उसमें नमक डाला था। तो अब ये यहाँ पर हमने 2-3 मिनट के लिए जो छिलके हैं उनको सॉफ्ट करना था, इसलिए हमने 2-3 मिनट ढक के पकाया है इसको। अभी हो गया है तो हम क्या करेंगे, जो करेले हैं उनको डाल देंगे। डालने के बाद इसको भी हम अच्छे से मसालों में मिला देंगे, और तब तक हम इसको पकाएंगे जब तक कि इसमें जो करेले में पानी थोड़ा बहुत रह जाता है ना वो अब तक सूख नहीं जाए, और जो मसाला भी आपको थोड़ा सा ऐसा दिख रहा होगा यहाँ पर अलग अलग जो मसाला है वो अलग अलग दिखने लगे, तो समझ लीजिए जो सब्ज़ी है वो तैयार हो गई। तो अभी अच्छे से मिलाएंगे पहले हम, आपको इसमें गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर डालना है तो डाल दीजिए, मैं नहीं डालती हूँ गरम मसाला, ठीक है। तो हम इसको कम से कम 10 मिनट के लिए, 8 या 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाएंगे करेले को, और बीच बीच में हम देखते रहेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गया, पहले इसका कलर अलग था अब ये अलग कलर हो गया क्योंकि अब अच्छे से पक गया और मसाला जो है अलग अलग दिखाई देने लगा होगा आपको। तो ये बिल्कुल तरीके से पक गया है, अब आपको हम थोड़ा पास से दिखाएंगे। तो ये देखिए सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है, और इसको आप ना पराठों के साथ ज़रूर खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये इसका ऐसा टेक्सचर आया है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, थैंक यू।